हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज का ये वाला वीडियो जो है वो मैं मेकअप कैसे रिमूव करती हूँ और आफ्टर रिमूविंग माय मेकअप अपनी स्किन को टेक कर कैसे आप कर सकते हो इस पे, इसके ऊपर है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं मेकअप को रिमूव कैसे करती हूँ तो सबसे पहले अगर आपके पास वेट पाइप्स हैं ठीक है तो आप पहले उनको यूज़ कर लिए आपके पास मिसेलर वाटर है तो आप उसको यूज़ करके पहले अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं बट नाउ आई डोंट हैव सो दैट्स वाई हेयर आई एम डायरेक्टली यूज़ माई मसाज क्रीम तो आपके पास अगर मसाज क्रीम है तो ठीक है अगर आपके पास क्लिनिंग में लगे आप वो यूज़ कर सकते हो इफ़ यू डोंट हैव एनी तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो और uh, उसके अल्टरनेटिव में आप uh, uh, मलाई वो तो तो सभी के घर में होती है आप उसके साथ भी ऐसे जेंटली मसाज करके अपने फेस के ऊपर अपना जो मेकअप है उसको रिमूव कर सकते हो तो ऐसे एक तो हमारा मेकअप रिमूव हो जाएगा और दूसरा हमारी जो स्किन हो स्किन है ना उसको एक नरिशमेंट मिलेगी और मेकअप के साथ जो भी आपकी स्किन में अगर इफ़ेक्ट होता है जहाँ फिर आपको आपकी स्किन पर मेकअप सूट नहीं करता तो वो नहीं होगा तो इसके बाद मसाज करने के बाद फेस वॉश लेना है और जोन सा भी आप फेस वॉश यूज़ करते हो उसी को लेकर बस ऐसे अपने फेस वॉश के साथ अपने फेस को वॉश कर लेना है तो आफ्टर फेस वॉश आपको लगाना है टोनर तो टोनर स्प्रे कर लेना है और टोनर के साथ जैसे कि आपको पता है हमारे जो पोर्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं मिनिमाइज होते हैं और टोनर एक वेरी असेंशियल पार्ट है आपकी स्किन केयर रूटीन का सो so, आपको जरूर करना चाहिए ये तो टोनर के बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करें आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो आप बस उसके साथ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लीजिए सो so, यहाँ पे देखिए मैंने अपना फेस जो है वो मेकअप जो है उसको रिमूव कर लिया है तो मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सूद हो गई है आ, बस इन कुछ स्टेप को यूज़ करने के बाद तो आप भी ऐसे अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो आप घर की चीज़ों के साथ ही अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं और जेंटली मसाज करके मलाई या फिर कोकोनट ऑयल के साथ आ, अपनी स्किन को सूद कर सकते हैं सो ये था मेरा आज का वीडियो सो टिल दिन द नेक्स्ट वीडियो बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग